नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। आज हम बात करेंगे जीके के टॉप के 170 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, और इन प्रश्नों को हम आपको तीन भागों में बताएंगे। पहले भाग में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे भाग में 50 क्वेश्चन, और तीसरे भाग में 70 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, तो आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और वहां पर आपको यूपी ट्रबल एससी वीडियो एग्जाम, यूपी कांस्टेबल व अन्य सभी एग्जाम के लिए बेहतरीन व बेस्ट कोर्स व लेसन मिल जाएगा। और आप वहाँ पर वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, साथ में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इसके अलावा YouTube पर आप लोग ये जितने भी हमने प्लेलिस्ट आपको दे रखा है, इन सभी प्लेलिस्टों को आप देख लीजिए। यहाँ से आपका 70+% जो है कोर्स कवर हो चुका है वीडियो एग्ज़ाम के लिए। और ये आपका है अनअकैडमी पर हमने आपको जो लेसन्स दिए हैं, और टोटल यहाँ पर अपन 90% का पूरा कोर्स कवर हो जाता है इन दोनों को मिला के। तो जल्दी से आप यहाँ पर इन सभी लेसन्स को देख लें और इनको फॉलो कर लें। क्वेश्चन नंबर आपका है पहला, और यहाँ पर हम हर क्वेश्चन के आंसर को बताने से पहले 2 से 3 सेकंड का टाइम आपको देंगे, तब तक आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता देना है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चार आंसर, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा, इसरो के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने यहाँ पर चार आंसर हैं। आंसर नंबर डी, डॉक्टर के सिवान। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आपके सामने यहाँ पर चार आंसर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर नंबर डी आपका रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके सामने चार आंसर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर आपका है फाइव, कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? आपके सामने यहाँ पर चार आंसर हैं। आंसर नंबर ए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है सिक्स, भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ? आपके सामने यहाँ पर चार आंसर हैं। आंसर नंबर ए, 1959। क्वेश्चन नंबर आपका है सेवन, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? आपके सामने यहाँ पर चार आंसर हैं, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं। आंसर नंबर सी, KM मुंशी। क्वेश्चन नंबर आपका है एट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर नंबर डी, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर आपका है नाइन, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? चार आंसर आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आंसर सी, 1986 ईस्वी। आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? आपके सामने यहाँ पर चार आंसर हैं। आंसर बी, बिहू। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 11, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? आपके सामने चार आंसर हैं। आंसर सी, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? चार आंसर, आंसर बी आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? चार आंसर आपके सामने, आंसर नंबर सी, उपग्रह प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? चार आंसर, आंसर सी, 1956। आगे हम बात करेंगे, हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपके सामने चार आंसर, आंसर
ए बांग्ला। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों के द्वारा बोली जाती है। चार आंसर हैं, आंसर है यानी कि चीनी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 17, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। चार आंसर, आंसर बी एस भंडार नायके श्रीलंका। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 18, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, इनका नाम क्या है। चार आंसर आपके सामने, आंसर ए बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है। चार आंसर, आंसर नंबर बी आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 20, यूएस संसद का निम्न में से कौन सा नाम है। चार आंसर यानी कि कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 21, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करें, आंसर नंबर ए जातीय संसद। आगे यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है। आपके सामने चार आंसर हैं, आंसर नंबर ए लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर जाना जाता है। बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। चार आंसर यानी कि अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 25, भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष शुरू किया गया था। 1974। क्वेश्चन 26, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य महापुरुष का जन्म इसी तिथि को हुआ था, वे महापुरुष का नाम क्या है। यानी कि आंसर नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे हम बात करेंगे, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। चार आंसर, आंसर ए कल्पना चावला। आगे हम बात करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहां पर है। चार आंसर आपके सामने यानी कि कटक। क्वेश्चन नंबर 29, विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है, किसके लिए ये प्रसिद्ध है। चार आंसर, आंसर सी जलयान निर्माण के लिए। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो एक माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है। चार आंसर यानी कि सी सोनपुर। क्वेश्चन 31, किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है। चार आंसर आपके सामने, आंसर सी भारत। क्वेश्चन 32, लंदन किस नदी के किनारे अब स्थित है। आंसर ए टेम्स। यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ पर है। आंसर ए पेरिस। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किस किस को जोड़ता है। चार आंसर, आंसर नंबर ए वाराणसी कन्याकुमारी। क्वेश्चन 35, तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। चार आंसर, आंसर ए बंगलोर यानी कि बंगलुरु। क्वेश्चन 36, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अब स्थित है। चार आंसर, आंसर सी नागपुर। 37, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई। आंसर सी 1854। 38 नंबर क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रीगोरियन कैलेंडर की किस तारीख के अनुरूप है। 22 मार्च 1957।
क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चार आंसर, आंसर बी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर आपका है 40, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से यह लिया गया है? चार आंसर, आंसर डी बाकिम चंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन 41, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा वो किसने संगीत बद्ध किया? सी पंडित रविशंकर। क्वेश्चन 42, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके शहर की राजधानी कहां है? सी मुजफ्फराबाद। क्वेश्चन 43 है, आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की? आंसर ए बाबा आमटे। क्वेश्चन 44, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट स्थापित किया गया कहां पर? आंसर सी जमशेदपुर में। 45 नंबर क्वेश्चन, गुजरात में आनंद किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर ए दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन 46, बिहार ने अपना नाम किससे व्युत्पन्न किया? चार आंसर, आंसर डी बौद्ध मठ। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? आंसर ए वोल्टा। क्वेश्चन 48, राजा रवि वर्मा थे यानी कि चित्रकार। क्वेश्चन नंबर आपका है 49, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर ए नील आर्म स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर आपका है 50, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर ए मैगलन। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपके हैं, टोटल 170 प्लस आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका वीडियो का एग्जाम हो या आपका कांस्टेबल का हो या किसी भी लेवल का एग्जाम हो। 170 प्लस क्वेश्चन जो मैं आपको जीके के देने वाला हूँ ये आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, बार बार रिपीट किए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आपको अच्छे से तैयार करना है जिससे कि पेपर में आप अच्छा कर सके, और इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड करूँगा। 170 प्लस सारे क्वेश्चन जब मैं कंप्लीट कर दूँगा तो एक साथ इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड करूँगा। तो अभी हमने आपको ये 50 क्वेश्चन बस के कराए हैं और यहाँ पर आपके टोटल इसके जो क्वेश्चंस आपके हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल यहाँ पर आपके 176 क्वेश्चन हैं जो हमको आपको बताना है, और ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो 170 प्लस क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होंगे ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो PDF में लगातार वीडियोस दे रहा हूँ उनकी PDF लगातार आपको मैं टेलीग्राम पर भेज रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा लेसन और वीडियो पसंद आया होगा, और आप मेरे द्वारा बनाए गए प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पर पड़ा है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, उन प्लेलिस्टों को देख लें और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लें जहाँ पर मैं लगातार